हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सविता की शादी आज से ठीक 3 साल पहले दीप नाम के लड़के से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही एक रात दोनों पति पत्नी डिनर करके वापस आ रहे होते हैं कि तभी अचानक सामने से आती तेज रफ्तार की कार से दीप का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है और एक ही पल में सविता का घर संसार उजड़ जाता है और वो विधवा हो जाती है। ससुराल में उसकी सास कुलवंत कौर और ननंद रिंकी रहा करते थे। रिंकी स्वभाव से बहुत ही ज्यादा चालाक और तेज दिमाग वाली थी। वो हमेशा से ही दीप की मौत का जिम्मेदार अपनी भाभी को मानती थी, जिसके चलते वो उससे बहुत नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और उसकी पीठ के पीछे से रिंकी सब्जी में बहुत सारा मिर्च मसाला डाल देती है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब रिंकी बोलती है, माँ ये कैसी नालायक बहू लेकर आई हैं आप, इसे खाना तक बनाना नहीं आता। क्या हुआ अब? क्या हुआ का क्या मतलब है, जरा खाना चक्कर देखो, कैसी सब्जी बनाई है ये आपने। अरे इतने मसाले कौन डालता है भला सब्जी में। अगर आप हमें मारना ही चाहती है ना तो ऐसे ही मार दीजिए, कम से कम इतना मसाला तो मत खिलाइए। आय हाय, अरे सब्जी है या जहर, क्यों री दिमाग कुकर में रखकर सीटी लगवा दी तूने, जो ये बनाकर लाई है नास पीटी। पर माँ जी मैंने तो खाना रोज की तरह ही बनाया था सच में। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि मैंने या मम्मी ने छुपके से रसोई में जाकर इस खाने में ये मसाला मिला दिया? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप हो जाइए और जाकर हमारे लिए कुछ ढंग का बना कर लाइए और अपना बनाया हुआ ये सड़ा सा खाना ना आप खुद ही खाइए, समझ गई? अपनी सास और ननंद की बातें सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए किचन में चली जाती है। साथ ही दोबारा से सारा खाना बनाती है और रिंकी और कुलवंत दोनों को खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता टीवी देख रही होती है कि रिंकी वहाँ आकर टीवी बंद करके बोलती है, पूरे दिन महारानी की तरह सजकर टीवी देखती रहती है, अरे काम काम कौन करेगा, दहेज में कर नौकरों की फौज लेकर आई थी आप। पर दीदी मैंने सारा काम कर लिया है, मैं तो इस वक्त फ्री थी इसीलिए बस टीवी देखने आ गई। अच्छा काम नहीं है आपके पास? रिंकी सविता का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर फेंक देती है और सारे कमरे का सामान भी इधर उधर फैला कर कमरा गंदा कर देती है। लो हो गया ये सब गंदा, चुपचाप सारा कमरा एकदम चकाचक कर दो, समझ गई? अरे ये सब क्या किया दीदी आपने, सब कुछ गंदा कर दिया। आपको पता है दीदी ये कपड़े मैंने सुबह ही प्रेस करके रखे थे जिनको आपने फैला दिया। मुझसे सवाल जवाब करोगी, देखो क्या करती हूँ मैं। रिंकी जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ देखो भाभी ने क्या किया। अरे क्या हुआ, अरे क्यों चिल्लाई जा रही है? देखिए ना माँ मेरा पूरा कमरा गंदा पड़ा है, जब मैंने भाभी से कहा कि मेरा कमरा साफ कर दो तो इन्होंने मुझे धक्का दे दिया और बोली कि इतनी सफाई पसंद है तो खुद क्यों नहीं कर लेती। हाय माँ देखो मेरे हाथ पर चोट भी लग गई। क्यों री तूने ऐसा बोला, और देख तेरी वजह से कितनी चोट लग गई मेरी फूल जैसी बच्ची को। चुपचाप जो रिंकी कहती है वो कर, नहीं तो 4 दिन तक खाना नहीं दूंगी तुझे। सविता बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे की सफाई में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रिंकी हर रोज कुछ ना कुछ करके सविता को परेशान करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रिंकी खुद ही अपना फोन तोड़ लेती है और माँ आप तो ना मुझे जहर देकर ही मार दीजिए, आपकी बहू तो मुझे देखकर खुशी नहीं होती है। अरे अब क्या कर दिया इस कलमुही ने तेरे साथ? अरे देखो क्या किया आपकी बहू ने, मेरा नया का नया फोन तोड़ दिया और वो भी पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी प्यारी भाभी घर का काम छोड़कर अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी फोन पे और जब मैंने इतना सा बोल दिया तो उन्हें इतना बुरा लग गया
कि उन्होंने मेरे हाथ से मेरा फोन छीना और तोड़ दिया। तभी वहाँ सविता आ जाती है। दीदी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने दीदी का फोन नहीं तोड़ा। चुप, बिल्कुल चुप। अरे नास पीटी करम जली, पता नहीं किस बात का ये गुस्सा निकाल रही है मेरी नाजुक सी बच्ची पर। आज मैं तुझे अच्छे से सीधा करती हूँ। रुक, बहुत हाथ चलते हैं ना तेरे, आज तेरे हाथ ही तोड़ दूंगी। सविता को दर्द में बिलकता हुआ छोड़कर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और बेचारी सविता दीप को याद करके रोती रहती है। वक्त बीतता जाता है पर रिंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। रोज वो गलती करती और सविता को फंसा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन कुलवंत सविता पर विश्वास ना करके रिंकी को अपना खानदानी हीरो का हार देती है और बोलती है, बेटा ये खानदानी हीरो का हार है, इसे बैंक में ले जाकर जमा करवा दे। मैं सविता के साथ चली जाती पर अब सविता पहले जैसी नहीं रही और मुझे अब उस पे भरोसा भी नहीं है। उस हार को देखकर रिंकी का मन ललचा जाता है और वो उसको गिरवी रख कर अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के बारे में सोचती है ताकि वो एक बिजनेस शुरू कर सके जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर सके। रिंकी उस हार को गिरवी रख कर अपने बॉयफ्रेंड के पास पैसे लेकर जाती है। जानू ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। वाओ डार्लिंग, इतने सारे पैसे मेरे लिए? ताकि तुम अपना बिजनेस शुरू कर सको और फिर हम दोनों जल्दी से शादी कर ले। ओ मैं जान कितना सोचती हो तुम हमारे बारे में। कुछ दिनों बाद मुकेश रिंकी को बेवकूफ बनाकर सारे पैसे लेकर भाग जाता है और जैसे ही रिंकी को ये पता चलता है कि मुकेश ने उसको धोखा दिया है, वो खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ सविता आ जाती है और रिंकी को इस तरह रोता हुआ देखकर उसे संभालते हुए कहती है, दीदी मुझे सब पता है आपके साथ जो भी हुआ और आपके दिल पे जो भी बीत रही है इस वक्त। तो फिर आप तो खुश होंगी ना, क्यों सही कहा ना मैंने? नहीं दीदी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आज तो आपको अच्छा मौका मिल गया है, जाइए ना मम्मी के पास, बता दीजिए उन्हें सारा सच, बन जाओ महान उनकी नजरों में। दीदी मुझे महान नहीं बनना, मैं तो बस इस घर में शांति चाहती हूँ और आपका प्यार चाहती हूँ। और ये लीजिए हार जो आपने गिरवी रखा था। ये हार आपको कैसे मिला? ये तो मैंने गिरवी रखा था, पर ये आपको कैसे पता चला? दीदी दरअसल जिस दिन आप हार गिरवी रखने सुनार की दुकान पर गई थी तो मैं वही मार्केट में थी और मैंने आपको ये सब करते हुए देख लिया था। आपने जिस इंसान को पैसे दिए मैं उसे तो नहीं पकड़ पाई, पर हाँ दीदी मैं अपनी जमा पूंजी से आपका कर चुका कर ये हार ले आई हूँ। अब आप इसे जल्दी से बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए इससे पहले कि माँ जी को कुछ पता चले। अपनी भाभी का बड़प्पन और अपने पति प्यार देखकर रिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांग लेती है। सविता भी उसे माफ कर देती है जिसके बाद वो सभी के सामने अपनी हार वाली गलती को भी कबूल करती है कि किस तरह उसने हर बार सविता को गलत साबित करना चाहा। साथ ही वो सभी से माफी भी मांगती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये विधवा भाभी और चालाक ननंद की कहानी? अगर आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद और भाभी तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।